डॉक्टर अनूप अबरोल जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजे हैं, उनके आत्मिक शांति के लिए श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग एवं रस्म पगड़ी श्री गीता मंदिर मॉडल टाउन जालंधर में संपन्न हुई। इस मौके पर पंडितों ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय अनूप अबरोल की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। तो वहीं कथावाचक पंडित अयोध्या प्रसाद ने कथा कर उपस्थित लोगों का मार्गदर्शन किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ब्रह्मशंकर जिम्पा, दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक क्षेत्र विज, विधायक रमन अरोड़ा, आप नेता रजिंदर कौर, पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, संत बाबा निशान सिंह जी, आत्म प्रकाश सिंह बबलू, सुदेश विज, अनिल सच्चर, प्रवीण हांडा, दीपक बाली, एसीपी सुभाष, नरेश विज, अमित तनेजा, प्रदीप खुल्लर, अशोक सरीन, हिक्की, प्रिंस ग्रोवर, अमित दीवान, बंटी नीलकंठ, डॉक्टर प्रवीण बेरी, गुरदीप औलख, रमेश शर्मा, अमरजीत सिंह अमरी, पूर्णिमा बेरी, डॉक्टर सुषमा चावला, मीनू शर्मा सहित पारिवारिक सदस्यों में बड़े भाई अशोक अबरोल, धर्म पत्नी प्रवीण अबरोल, बेटा रबीश अबरोल, बहू नीरू अबरोल, बेटी आस्था, दामाद मयंक सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय अनूप अबरोल को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। प्रार्थना सभा में सभी उपस्थित हमारे भाई बहनों, माताओं, प्यारे भक्तों, आज हम हमारे भाई अनूप अबरोल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए सभी दूर दूर से आए हैं। मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। जो भी संसार के अंदर जन्म लेता है उसको एक ना एक दिन जाना ही होता है, और हमारे भाई अनूप जी उस ईश्वर की व्यवस्था में अनंत की यात्रा में निकल चुके हैं। आगे बहुत ही डॉक्टर अनूप अबरोल जी उन्होंने अंतम समय के अवसर के बीच सारे रिश्तेदार, सारे भैन भरा, सारे सियासी और सामाजिक परिवार के तौर पर इन्होंने नाल दुख साझा करने वास्ते मतलब लिया, और बड़ा जो मैं जिंदगी जो समा देखा मेरे सामने मेरे माता जी बैठे ने, इसके भी परिवार के जो कोई रोकवे समा होता उससे गल करनी बहुत कठिन, लफ्ज लभने बड़े औखे होते हैं, क्योंकि परिवार में जोड़ा पिछोड़ा वो पर्सनैलिटी ठीक जाती है, लेकिन फर्क दे ना रहना और उस तो बाद ना होना वो एक बहुत बड़ी उस मालिक ने जी रचना की है संसार की, उसकी विडंबना है कि उन्हें संसार इधर ना बना। जो इस संसार की रचना हुई होगी तो मैं कह सकता जिन्हें जगत को बनाया उसकी कल्पना इदा नहीं होगी। असि सारे ही जिन्हें भी जीव इस सृष्टि के इस धरती से आए हैं उन्होंने कभी ना कभी कभी ना कभी सानू इस चीज़ को पेश करना है। जिंदगी क्या है इन विनाशर का जरूर करती है, मौत क्या है ये अपेक्ष अग्नि व्यक्ति जल वायु आकाश पंचतत्व तरतीब चलने इंसान जल जाए उसकी तरतीब बिगड़ती ऐसे में मौत है, जानवर मौत इंसान के हक चल इंसान के हक से तरतीब के आके कि हम ये कर्म कर रहे बैठते हैं। ऐसे फिर मैं डॉक्टर अनूप अबरोल जी हैं, लेकिन उन्होंने जीते हुए परमा की खुशबू अर्जन कर धर्म पाए थे, उन्होंने प्यार ही पाया प्यार ही बनाया, आज भी हाजिरी इससे दीवानगी के
ख्वाबों का चर्चा है जिंदगी, दीवानगी के ख्वाबों का चर्चा है जिंदगी, लगता है जो सच ऐसा छलावा है जिंदगी। मोती अगर है मंदिरें, मोती अगर है मंदिरें, धागा है जिंदगी, चलना फटक है जिंदगी। बिछड़ा कुछ इस तरह कि जग ही उठ गया है, एक शख्स सारे शहर को विराग कर गया। ये सत्रह जदों पढ़ते हैं तो होर तरह लगदियाँ, जो महसूस करते हैं तो फिर इस तरह लगता, किस तरह हर चेहरे पर उदासी है, हर अख गमगीन है और हर दिल च उन्होंने याद है। जे मैं डॉक्टर साहब के बारे बोलना हो किन्ने दिन तो किन्ने घंटे लग जाएंगे। मैं कि नेड़े उन्होंने शख्सियत जानता, मैं उन्होंने फॉलो करता, मैं उन्होंने वर्गा सादा बनना चाहता, उन्होंने वर्गा सोहज बनना चाहता, उन्होंने वर्गा समाज में प्यार रखना चाहता, उन्होंने वर्गी शांति रखना चाहता, उन्होंने वर्गा मैं संगीत नाल प्यार रखना चाहता, उन्होंने वर्गा अपने छोटियों को प्यार करना चाहता, उन्होंने वर्गी वड्डियों को सत्कार करना चाहता। मैं इस तरह चाहता कि मैं इस तरह का बना जिस तरह के वो, उन्होंने जोड़ा हिरदय आ उस समुद्र वाग मैं महसूस किया। डॉक्टर अफरोज जिन्होंने आप भी काम समाज वास्ते किया, सरकार योग भैन जी प्रवीण अफरोज जी, जो डॉक्टर साहब का सहयोग ना होता तो वो प्रवीण अफरोज जी समाज में जाके काम ना कर सकते, क्योंकि कई बार असी भैन जी को इकट्ठे होंगे प्रोग्रामा से इकट्ठे टी वी स्टेशन से या कई इंस्टीट्यूशन से भी स्पीच करने इकट्ठे होंगे, इन्होंने समाज की सेवा करनी गर्व है। हर इंसान जो इस दुनिया के जन्म लगता उस इंसान एक कारूबी बोल एक ना एक दिन किसी ना किसी बहाने के नाल इस दुनिया को ले जाती है, लेकिन जोड़ा इंसान समाज के प्रति चंगा काम करता है उस इंसान के जाने जिते परिवार को बड़ी वीड्डी घाट पड़ती है उत्थे समाज में भी बड़ी वीड्डी घाट पड़ती है। डॉक्टर अफरोज जी के किए हुए काम, उन्होंने प्यार, उन्होंने सहयोग समाज के प्रति अज के युग के बहुत वधिया सी, और जो भी उन्होंने मिलना उन्होंने हमेशा ही इंसानियत वाला और ईमानदारी वाली गल करनी, और अपना भी जीवन उन्होंने इंसानियत वाला और ईमानदारी वाला